So in our last lecture, we were discussing about the wave propagation, okay, in which we have discussed ground wave propagation, how the electromagnetic wave propagates through ground with reference to the ground. Then we have discussed sky wave propagation, the different ionospheric layer we have discussed. Ionospheric is different layer, the D layer, E layer, F1 layer, F2 layer, वो कैसे उस layer से electromagnetic wave bent होके वापस आती है वो देखा हमने. आयनोस्फीयर एंड इट्स टाइप्स भी देखे कि F1 F2 लेयर ये दिन में सेपरेट होते हैं और रात में क्या होते हैं उनकी एक लेयर होती है, फॉर्म होती है. दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड. देन वर्चुअल हाइट क्या रहती है वो हमने देखा. जब आयनोस्फीयर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेंट होकर वापस आती है तो एक्चुअली अगर वो स्ट्रेट गई तो कहाँ तक, कौन से कितने दूर तक जाएंगी और जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, ये इमेजनरी पाथ रहता है. ओके तो उसको एक वर्चुअल हाइट बोलते हैं और जहाँ से भी वो बेंट होकर वापस आती है उसको एक्चुअल हाइट बोलते हैं. तो वर्चुअल हाइट हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें वी नीड टू नो द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए हम वर्चुअल हाइट निकालते हैं. क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या रहती है वो देखा हमने. अगर डायरेक्टली सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर सडनली हमने क्या किया, ऐसे अगर हमने इंसिडेंट किया एट राइट एंगल टू द आयनोस्फेरिक लेयर, तो ऐसी मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो रिटर्न आ सकता है अर्थ पे, बाउंस बैक होके या इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस आ सकता है, उस फ्रीक्वेंसी को, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. मतलब अगर सरल सीधा राइट एंगल क्या किया हमने उसको आयनोस्फेरिक लेयर पे इंसिडेंट किया तो वो वेव वापस आनी चाहिए. तो कितने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को वापस आती है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर रही तो वो वापस नहीं आती, इंसिडेंट होके वापस नहीं आती, वो सीधा रिफ्रैक्ट होके ऊपर चली जाती है. तो वेव क्या होनी चाहिए, वापस आनी चाहिए, तभी हम उसको रिसीव कर पाएंगे. ओके तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे वापस आएंगी, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. और उसके लिए कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट रे शुड बी राइट एंगल टू द आयनोस्फेरिक लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. इसके बाद देखा था हमने मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है. ओके मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी ये स्किप डिस्टेंस पे डिपेंड है. स्किप डिस्टेंस मतलब क्या, जैसे जैसे हम सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी और अगर हम एंगल ऑफ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज कर रहे तो कौन सी वेव वापस आ सकती है. अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम सपोज कम करते जा रहे कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी रख के, सपोज फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे. एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, ये सपोज रेफरेंस लाइन है और ये रेफरेंस लाइन पे, ये सपोज ये रेफरेंस लाइन है. अब ये रेफरेंस लाइन पे ये नॉर्मल है हमारा और ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये वेव ने यहाँ पे जो एंगल फॉर्म किया है ये एंगल, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई वेव, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करते जाते हैं हम, वैसे क्या होती है वेव, जो रिसीव्ड वेव है वो, जो रिसीव्ड पॉइंट रहता है वो नज़दीक आते जाता है ट्रांसमीटर के. तो वो रिसीव्ड पॉइंट जो रहता है, रिसीव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होती है ट्रांसमीटर से और उसके बाद अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया तो वो रिसीव नहीं होती, वो डायरेक्टली क्या होती है, स्पेस में चली जाती है, रिफ्रैक्ट होके चली जाती है, वो वापस नहीं आती. तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो हमें डिस्टेंस मिलता है, इट इज नियरेस्ट क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमीटर, इसको बोलते हैं स्किप डिस्टेंस. ओके और उस स्किप डिस्टेंस में हम, ये मिनिमम डिस्टेंस रहता है, उस डिस्टेंस में सिग्नल रिसीव नहीं होता. ओके तो इस पे जो फ्रिक्वेंसी रहती है हमारी उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी. ओके देन नेक्स्ट है स्किप जोन. अब हम देखेंगे स्किप जोन. स्किप जोन क्या रहता है, अब हमें मालूम है कि जब ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा. अब ये आयनोस्फीयर है, ये आयनोस्फीयर है, ये आयनोस्फीयर पे सिग्नल क्या होगा, यहाँ पे इंसिडेंट होगा. इंसिडेंट होने के बाद वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा. तो अब सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया.
और ये ए पॉइंट है जहाँ से हमने सिग्नल को ट्रांसमिट किया, और ये बी पॉइंट है जहाँ पे सिग्नल रिसीव हो गया सपोज। अब ये सी पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पे ग्राउंड वेव रेंज है, मतलब ए से सी तक सिग्नल ग्राउंड वेव से ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर हमने ए से ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन अगर किया सिग्नल का, तो वो सी तक ही ट्रांसमिट हो सकता है, सी के बाद वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता। सी के बाद वो सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, वो वैनिश हो जाएगा, उसका अटेन्यूएशन हो जाएगा। तो ए से अगर हमने ग्राउंड प्रोपेगेशन किया तो हम सी तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और अगर हमने ए से स्काई वेव प्रोपेगेशन किया तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो बी डिस्टेंस या बी से ज़्यादा डिस्टेंस पे मिलेगा। ये बी तक मिलेगा या बी से ज़्यादा डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ पे मिलेगा या यहाँ के बाद सब डिस्टेंस में हमें वो सिग्नल मिलेगा। पर ये सिग्नल हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, इसके अंदर नहीं मिलेंगे, या यहाँ से यहाँ तक सी तक, बी से सी तक वो सिग्नल हमें नहीं मिला, क्योंकि ये स्कीप डिस्टेंस है। स्कीप डिस्टेंस मतलब अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से अगर कम किया सिग्नल का, तो वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। तो मिनिमम यहाँ तक ही वो सिग्नल रिसीव हो सकता है, उसके पहले वो सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो ये है डिस्टेंस है, या उसको स्पेस बोलेंगे हम, ये जोन बोलेंगे, उस जोन को हम बोलते हैं स्कीप जोन। उसको क्या बोलते हैं हम, स्कीप जोन। स्कीप जोन मतलब इस जोन पे सिग्नल रिसीव होगा ही नहीं, ना ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से ना स्काई वेव प्रोपेगेशन से, वहां पे सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा। वो उस सिग्नल उस स्पे जोन को बोलते हैं स्कीप जोन। देखो, द डिस्टेंस ए टू सी इज अ ग्राउंड वेव रेंज फॉर द ट्रांसमिटर लोकेटेड एट पॉइंट ए, देन डिस्टेंस सी टू बी इज कॉल्ड ए स्कीप जोन। देखो, सी टू बी, इसको बोलते हैं स्कीप जोन, ठीक है। देन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, स्कीप जोन एंड स्कीप डिस्टेंस। स्कीप डिस्टेंस इज डिफरेंट। स्कीप जोन में हम क्या करते हैं, ग्राउंड वेव की रेंज कंसिडर करते हैं। अगर हमने स्कीप जोन अगर कंसिडर किया, स्कीप डिस्टेंस अगर कंसिडर किया, तो ये ए से बी तक पूरा स्कीप डिस्टेंस है। और अगर हम स्कीप जोन को कंसिडर करेंगे तो सी से बी तक ही स्कीप जोन है, क्योंकि ए से सी तक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन किया तो सिग्नल ट्रैवल हो सकता है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से हमको मालूम है सिग्नल ऐसा ट्रैवल होता है ग्राउंड वेव से, तो ऐसा ग्राउंड वेव से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। पर स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए, इससे बाद अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो हमें स्काई वेव प्रोपेगेशन यूज करना पड़ेगा, और स्काई वेव प्रोपेगेशन यूज किया तो मिनिमम इतने डिस्टेंस पे ही सिग्नल रिसीव होगा, मिनिमम इसके आगे ही सिग्नल रिसीव होगा, उससे पहले सिग्नल रिसीव नहीं होगा। तो उसको बोलेंगे हम स्कीप जोन, मतलब जिस जोन में सिग्नल स्किप किया है, स्किप मतलब वहां पे वो रिसीव नहीं होता है। देन नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इन स्कीप जोन। अब स्कीप जोन में कम्युनिकेशन कैसे होगा हम देखेंगे। लुकिंग एट फिगर 6.6.1e, मतलब ये फिगर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीप जोन। इट इज क्लियर दैट इफ रिसीवर हैपेंस टू बी इन द स्कीप जोन, देन नाइदर अ स्काई वेव नॉर अ ग्राइंड वेव प्रोपेगेशन कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विथ इट। देखो, इट इज क्लियर दैट इफ रिसीवर हैपेंस टू बी इन अ स्कीप जोन, अगर रिसीवर स्कीप जोन में रहा, मतलब ये जोन में, यहाँ पे कहीं पे तो सपोज रिसीविंग एंटेना है, टू बी इन दिस, देन नाइदर द स्काई वेव नॉर द ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विथ इट। तो यहाँ पे हम ग्राउंड वेव से भी उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या स्पेस वेव स्काई वेव प्रोपेगेशन से भी उससे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नाउ रेफर फिगर 6.6.1f, ये फिगर कम्युनिकेशन स्कीप जोन। द पॉइंट डी लाइज इन द स्कीप जोन। अब ये पॉइंट डी भी है इसमें, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। द पॉइंट डी लाइज इन द स्कीप जोन, कम्युनिकेशन विद दिस पॉइंट इज पॉसिबल। अब ये डी पॉइंट पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। अगर हमने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कम किया, देन रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर एट पॉइंट ए, ये ट्रांसमीटर्स की हमने अगर सपोज ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कम किया, दस ये टू बिकम्स द मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी फॉर द न्यू स्कीप डिस्टेंस एडी। अब देखो, ऑलरेडी हमें मालूम है कि अगर हमें फ्रिक्वेंसी, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो कम किया यहाँ पे, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया तो अगर सपोज हमने सेम ही फ्रिक्वेंसी रखी, जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है वो सेम फ्रिक्वेंसी अगर हम यहाँ पे रखते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करके, तो ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल
डायरेक्टली ऐसा ऊपर चला जाता, पर हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया तो फ्रीक्वेंसी भी हमने क्या किया, कम किया। तो फ्रीक्वेंसी कम करने की वजह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करने के बाद भी वो सिग्नल डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, वो सिग्नल क्या होगा हमारा, ऐसा नीचे आएगा रिफ्लेक्ट होके ये पॉइंट डी पे। ओके, तो क्या उस पर क्या एक रेमेडी है, उस पर उपाय क्या है कि अगर सपोज हमें बी से पहले के रिसीवर को भी अगर कम्युनिकेशन करना है, स्किप जोन में भी अगर कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम करेंगे। ओके, मतलब ये सपोज एफ टू है तो हम ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये सपोज एफ वन है तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी एफ टू है, प्रोवाइडेड दैट एफ टू इज लेस देन एफ वन, मतलब ये एफ वन ज्यादा है और एफ टू कम है। तो हमने अगर फ्रिक्वेंसी कम किया तो पॉइंट डी पे हम सिग्नल को रिसीव। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन इन द स्किप जोन, वी कैन डू लाइक दिस। तो स्किप जोन में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करके सिग्नल की फ्रिक्वेंसी भी कम करना पड़ेगा, तब वो सिग्नल हमें रिसीव होगा यहाँ पे। ओके, देन तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो एफ टू बिकम्स द मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी फॉर न्यू स्किप डिस्टेंस। तो अभी एफ टू है, ये क्या आ गया, अभी नई मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है, पहले मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी एफ वन थी। स्किप डिस्टेंस पे जो फ्रिक्वेंसी रहती है सिग्नल की, उसको बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी। अब हमने क्या किया, उसको कम किया, तो अब मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी एम यू एफ अभी कम हो गए, वो कितनी हो गई, अभी एफ टू हो गए। तो अगर मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी हम कम करते हैं तो हम स्किप डिस्टेंस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो स्किप डिस्टेंस मतलब स्किप जोन हम कम कर सकते हैं। देन इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब थीटा कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा चेंज किया, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने चेंज किया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट रखेंगे और फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम ही रखा हमने, सिग्नल का चेंज नहीं किया। तो फिगर इलुस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एट कॉन्स्टेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने चेंज नहीं किया तो क्या होता है, देखो क्या होता है, ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करने के बाद ये सिग्नल, अब ये सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ वन है, ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ से यहाँ तक ये स्किप डिस्टेंस है, मतलब इसके अंदर सिग्नल रिसीव नहीं होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट टू द क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमीटर। ओके, अब हमने ये सिग्नल को इस फ्रिक्वेंसी के एफ वन पे ट्रांसमिट किया, जो सिग्नल रिटर्न आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सिग्नल रिटर्न आएगा इस पॉइंट पे। अब सपोज हमने क्या किया, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम किया, एफ टू किया, वेयर एफ टू इज लेस देन एम यू एफ, मतलब एफ टू इज लेस देन एफ वन, तो वो क्या होगा, सिग्नल फिर से निचले एनोस्फेयर के जो नीचे की लेयर है उस लेयर से रिफ्लेक्ट होके, बेंट होके वापस आएंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम करने के बाद। पर अगर हमने उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी मतलब एफ वन से अगर ज्यादा रखी, सपोज एफ थ्री रखी, एफ थ्री इज ग्रेटर देन सपोज एफ वन, तो वो सिग्नल इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, एनोस्फेरिक लेयर से रिफ्रैक्ट होके ऊपर चला जाएगा, मतलब वो अर्थ पे वापस नहीं आएगा। सो एफ थ्री इज ग्रेटर देन एम यू एफ अगर रहा तो सिग्नल विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम द एटमोस्फेरिक लेयर एंड इट विल गो इन टू द स्पेस, इट विल नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी वेरिएशन इन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बाय कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा कॉन्स्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी अगर कम किया तो वो रिटर्न आती है, और बढ़ाया तो वो क्या होती है, ऊपर चली जाती है, वापस नहीं आती। इसलिए अगर सपोज हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट रखा तो हमें फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखनी पड़ेंगे, यानी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी मतलब मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी उतनी रखनी पड़ेगी या उससे कम करनी पड़ेगी, तभी वो सिग्नल रिटर्न आएगा अर्थ पे बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट होके। अगर हमने मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा रखी सिग्नल की तो वो ऊपर चला जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा और वो स्पेस में चला जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा अर्थ पे। सो दैट इज द वेरिएशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉन्स्टेंट।
ओके सो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉन्स्टेंट अदरवाइज सिग्नल विल नॉट कम बैक रिटर्न बैक टू द अर्थ इट विल गो इन टू द स्पेस अगर वो स्पेस में चला गया तो हमें सिग्नल रिसीव नहीं होगा यहाँ पे इसलिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से हमेशा क्या रहनी चाहिए कम रहनी चाहिए देन व्हाई इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ इज ग्रेटर देन लेस देन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम क्यों रहनी चाहिए क्योंकि कम रही तभी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी ज्यादा रही तो वो ऊपर चली जाएंगी रिफ्रैक्ट होके ऊपर चले जाएंगे वो स्पेस में तो वो अगर ऊपर चले गए तो हमारे कोई काम के नहीं द अटेन्यूएशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सिग्नल की तो वो अटेन्यूएशन क्या होता है बहुत कम रहता है सिग्नल को और अटेन्यूएशन कम रहने के कारण क्या होता है वो सिग्नल सीधा चला जाता है ऊपर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आता Naturally, the operating frequency should be as high as possible, which is equal to maximum usable frequency. Operating frequency ये ज़्यादा रहनी चाहिए और कितनी रहनी चाहिए maximum usable frequency से इतनी रहनी चाहिए However, practically, the operating frequency just slightly less than maximum usable frequency. Practically, जो operating frequency वो maximum usable frequency थोड़ी 10-15% कम रहनी चाहिए क्यों कम रहनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है there is a this is done to counteract the continuous changes taking place in the atmosphere. अब वो nature है nature में क्या होता है ionospheric layer में थोड़े changes होते रहते हैं इसीलिए better हम क्या करें कि उस frequency को maximum usable frequency थोड़ा कम ही रखे okay then multiple Hope sky wave propagation अब हम देखेंगे next multiple Hope sky wave propagation अब multiple Hope sky wave propagation में the sky wave propagation which has been discussed till now is called a single Hope propagation और सिंगल होप ट्रांसमिशन ये सिंगल होप था मतलब एक ही होप था उसमें होप मतलब क्या जैसे सपोज अब ये सिग्नल है जब ऐसा वो ट्रैवल होता है तो उसको एक होप बोलते हैं ये दूसरी होप ये तीसरी होप दिस इज कॉल्ड एज होप म्हणजे उड्या घेत जाणं त्याला आपण होप म्हणतो सो हाउएवर द मॅक्सिमम रेंज ऑफ द सिंगल होप ट्रांसमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4000 किलोमीटर जनरली एक होप कितने किलोमीटर का रहता है 4000 किलोमीटर का मतलब यहाँ अगर सिग्नल इंसिडेंट हुआ तो एक होप पूरा कहाँ पे कंप्लीट करता है वो 4000 किलोमीटर जाने के बाद सो इट इज वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू स्किप डिस्टेंस एंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ अर्थ के कर्वेचर और स्किप डिस्टेंस की वजह से द सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 20,000 किलोमीटर अर्थ का जो सेमी सर्कमफेरेंस है वो कितना है जनरली ऐसी अर्थ है हमारी ये अर्थ है तो ये अर्थ का जो सेमी सर्कमफेरेंस है मतलब यहाँ से सपोज यहाँ से ये सेमी सर्कमफेरेंस यहाँ से ऐसा सेमी सर्कमफेरेंस ये जो सेमी सर्कमफेरेंस रहता है अर्थ का यहाँ से यहाँ तक वो कितना रहता है दैट इज अबाउट 20,000 किलोमीटर सेमी सर्कमफेरेंस ओके दिस The single hope transmission is not useful to cover this range. तो एक single hope में ये पूरा distance cover नहीं हो सकता अर्थ का Hence, multiple hope transmission is often preferred. इसलिए multiple hope transmission prefer किया जाता है So, there is no problem in the multiple hope transmission in the north-south direction. जो अर्थ का north-south direction रहता है उस direction में कोई problem नहीं आता क्योंकि उस direction में एक ही type का nature ये रहता है या दिन रहता है न तो रात रहती है अब देखो ये सपोज अर्थ है हमारी तो ये अर्थ में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसी सिग्नल ट्रैवल हो रहे इस डायरेक्शन में हो ऐसा तो वहां पे कोई प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे दिन रात तो पूरे इसमें दिन ही रहता है रात रहे तो पूरी इसमें रात ही रहती है पर ईस्ट वेस्ट जो रहता है सपोज अब ये सपोज ईस्ट है और ये वेस्ट है तो ईस्ट और वेस्ट में प्रॉब्लम रहता है क्योंकि अगर ईस्ट में दिन रहा तो वेस्ट में रात रहती है वेस्ट में दिन रहा तो ईस्ट में रात रहती है तो एक जगह पे रात है और एक जगह पे अगर दिन है तो फिर रात और दिन में आपको मालूम है जो F1 और F2 लेयर रहते हो दिन में सेपरेट रहते हो रात में वो एक हो जाते हैं इसलिए जो डिस्टेंस रहता है एनोस्फेयर का
वो कम ज्यादा होता है, रात में वो अलग रहता है, दिन में अलग रहता है, इसलिए वो होप का जो हाइट रहती है वो कम ज्यादा रहती है। ओके अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देर इज नो प्रॉब्लम इन द मल्टीपल ऑफ ट्रांसमिशन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बट केयर इज टू बी टेकन वेन प्लानिंग इट फॉर द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैपन्स टू बी ऑन आइदर साइड ऑफ द टर्मिनेटर। अगर ईस्ट में है ट्रांसमीटर, मतलब इंडिया में ट्रांसमीटर है और अमेरिका में रिसीवर है, तो अमेरिका और इंडिया में सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए अमेरिका में अगर जब रात रहती है तब इंडिया में दिन रहता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। ओके एज शोन इन द फिगर देयर इज अ डे ऑन वन साइड एंड नाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टर्मिनेटर। ओके एक ईस्ट साइड में अगर दिन रहा तो वेस्ट साइड में नाइट रहती है। द अदर साइड ऑफ द टर्मिनेटर द हाइट ऑफ द कंबाइंड एफ लेयर्स एट नाइट इज लोअर देन दैट ऑफ द एफ टू लेयर इन द डे टाइम। जो कंबाइंड हाइट रहती है एफ लेयर की एट नाइट, ये लोअर रहती है, कम रहती है देन दैट ऑफ द एफ टू लेयर इन डे टाइम, ये हमने ऑलरेडी देखा है। ड्यू टू दिस द रे विल रिटर्न अर्लियर और शॉर्टर डिस्टेंस देन एक्सपेक्टेड एंड विल मिस द रिसीवर एज शोन इन द फिगर। अब देखो ये है मल्टीपल होप ट्रांसमिशन, ये है एनोस्फेरिक लेयर, ये अर्थ का कर्वेचर है। ओके और ये है स्किप डिस्टेंस विद सिंगल होप ट्रांसमिशन। अगर सिंगल होप ट्रांसमिशन रहता तो ये स्किप डिस्टेंस रहता, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस सपोज ज्यादा है, जो ट्रांसमीटर से वो सिग्नल दो होप में ट्रेवल होगा। ओके तो ये ऐसा ट्रैवल होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे वो सिग्नल फिर से इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होके फिर से दूसरे होप में वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगा पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे वो सिग्नल रिसीव होगा, ए से ट्रांसमिट होगा और बी पे वो रिसीव होगा। ठीक है उसको बोलते हैं मल्टीपल होप स्काई वेव प्रोपेगेशन। कौन से डायरेक्शन में होगा ये, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। ओके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्योंकि वहाँ पे एक ही टाइप का एटमो ये रहता है, एक तो दिन रहता है या नाइट रहती है, पर ईस्ट वेस्ट में अलग रहता है। ईस्ट वेस्ट में कैसे, ईस्ट में दिन तो वेस्ट में रात रहती है, तब क्या होता है देखो। अब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कैसा होता है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखो, ट्रांसमीटर ए से सिग्नल ट्रांसमिट किया तो ये इस पॉइंट पे रिसीव होगा। अब ये एफ टू लेयर है, अब ये सपोज दिन का टाइम है, ये दिन का टाइम होने के कारण क्या होगा, ये सिग्नल ऐसा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, पर दूसरे साइड में अर्थ के रात रहेंगी, तो रात रहने के कारण क्या होगा, सपोज यहाँ पे इधर डे है और इधर नाइट है, या इस साइड में डे है इस साइड में नाइट है, तो नाइट में क्या होता है, ये जो कंबन एफ टू लेयर रहती है वो कंबन हो जाती है और उसकी हाइट कम हो जाती है, हाइट कम होने के कारण ये जो सिग्नल यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से जो सिग्नल इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ जाने के बाद वो कम डिस्टेंस पे ही उसको बेंट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और वो वापस आएगा, और उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, इस हाइट के अनुसार उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आना चाहिए, पर ये रात में उसकी हाइट कम होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी ही उस पॉइंट के पहले ही कहीं पे रिसीव हो जाता है, पर हमारा ट्रांसमीटर, हमारा जो रिसीवर है वो यहाँ होता है, और ये जो सिग्नल है वो रिसीव तो यहाँ होगा, इसलिए रिसीव्ड सिग्नल विल मिस द रिसीवर। तो ये प्रॉब्लम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें रिसीवर का सेटअप करना पड़ता है। ओके तो दैट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मल्टी होप स्काई वेव प्रोपेगेशन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडिंग, व्हाट इज फेडिंग, फेडिंग क्या होता है, फेडिंग मीन्स द वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन द सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर। द फेडिंग कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। देखो क्या होता है, कभी कभी हम किसी सर्विस प्रोवाइडर का सिग्नल रिसीव करते हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, तो होता क्या है कि कुछ जगह पे सिग्नल की रेंज कम मिलती है, कुछ जगह पे ज़्यादा रहती है, कहीं पे फुल स्ट्रेंथ मिलती है हमें, कहीं पे वीक सिग्नल मिलता है, कहीं पे स्ट्रांग सिग्नल मिलता है, कहीं पे अच्छा अपलोडिंग डाउनलोडिंग होता है, कॉल भी अच्छी हमारी कंटिन्यू रहती है, कहीं पे क्या होता है कॉल कभी ब्रेक होती है, इंटरनेट की स्पीड कम चलती है, तो वो किसकी, वो जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ रहती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएट मतलब कम ज़्यादा होती रहती है, तो ये जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती है या फ्लक्चुएट होती है उसको क्या बोलते हैं, फैडिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैडिंग। तो फैडिंग इज नथिंग बट द वेरिएशन मतलब चेंज या फ्लक्चुएशन मतलब कम ज़्यादा होना,
फैडिंग मीन्स द वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन द सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर. रिसीवर में सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगा उसको क्या बोलते हैं, फैडिंग. द फैडिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स. तो फैडिंग के दो टाइप रहते हैं, एक रहती है रैपिड और स्लो फैडिंग और दूसरी है जनरल और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फैडिंग. ये दो टाइप है फैडिंग के, रैपिड और स्लो फैडिंग एंड जनरल और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फैडिंग. अब देखो, द फैडिंग ऑफ एनी टाइप टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव विच फॉलो डिफरेंट पाथ टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. दस फैडिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू मल्टीपाथ रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल. अगर सिग्नल, एक ही सिग्नल अगर मल्टीपल पाथ में अगर ट्रैवल हो रहा है, तो ट्रैवल होने के बाद अगर वो मल्टीपल पाथ से आया हुआ सिग्नल जब एक पॉइंट पे आके रिसीव होता है, तब रिसीव्ड सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है. तो उसको बोलते हैं ये जो फैडिंग होती है ये क्यों होती है, मल्टीपाथ सिग्नल रिसेप्शन से होती है. ओके, ड्यू टू डिफरेंट पाथ लेंथ द टू सिग्नल्स विल अंडरगो डिफरेंट फेज शिफ्ट एट द रिसीवर. द वेक्टर सम ऑफ देम विल टेक्स प्लेस. रिसीवर में उसकी वेक्टर सम होती है. देयरफॉर अल्टरनेट कैंसलेशन एंड रेनफोर्समेंट विल टेक्स प्लेस इफ द पाथ डिफरेंस इज एट लार्ज एज लैम्डा बाय टू. सच फ्लक्चुएशंस आर देयरफॉर मोर लाइकली टू ऑकर एट लोअर वेवलेंथ. ये लोअर वेवलेंथ पे ज्यादा होते हैं, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे, हायर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा ज्यादा होता है. डिफरेंट रीजंस फॉर फैडिंग. फैडिंग कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन, इंटरफेरेंस मतलब मिक्स होना, एक मल्टीपल पाथ से आए हुए सिग्नल एक जगह पे उनका एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, उस वेक्टर एडिशन होना उसको ही बोलते हैं कि वो उसका इंटरफेरेंस होगा. इट कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स अराइविंग बाय डिफरेंट नंबर ऑफ होप्स और पाथ. डिफरेंट पाथ से वो रिसीव होते हैं. ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द ग्राउंड व्यू एंड स्काई व्यू. अगर कुछ पाथ अगर ग्राउंड व्यू से ट्रैवल हो रही है, कुछ स्काई व्यू से ट्रैवल हो रही है, तो और एक जगह पे आके सपोज वो वेक्टर समेशन हो रहा है उनका, तो उसकी वजह से भी फैडिंग होती है. ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ हाइट और डेंसिटी इन आयनोस्फीयर लेयर. कभी कभी आयनोस्फीयर लेयर की डेंसिटी कम ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी वो फैडिंग होती है. एज द फैडिंग इज अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव प्रोसेस द सिग्नल वेरी जैसे सिग्नल वेरी क्लोज टू अर्थ इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन विल फेड टू डिफरेंट एक्सटेंट. जबकि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव होने के कारण, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहती है, द सिग्नल वेरी क्लोज टू द अर्थ इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन विल फेड टू अ डिफरेंट एक्सटेंट. द एएम सिग्नल इज वेरी बैडली डिस्टॉर्टेड ड्यू टू सच ए फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फैडिंग. एएम सिग्नल ज्यादा डिस्टर्ब होता है, या उस एएम सिग्नल का ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है फैडिंग की वजह से. सिंगल साइडबैंड सिग्नल इज नॉट अफेक्टेड टू सच एक्सटेंट. सिंगल साइडबैंड का ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता फैडिंग में. वन वे टू काउंटरैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ फैडिंग इज टू यूज द स्पेस और फ्रीक्वेंसी डाइवर्सन रिसेप्शन सिस्टम, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी रिसेप्शन सिस्टम. द अदर वे इज टू यूज द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल फॉर द रिसीवर. एक तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल यूज करो, नहीं तो फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी यूज करो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट करना और रिसीव करना. अब देखो, हम देखेंगे यहाँ पे डाइवर्सिटी रिसेप्शन. इवन दो द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फैडिंग, इट इज नॉट हेल्पफुल व्हेन द सिग्नल फेड्स सो मच दैट इट एंटर्स इनटू द नॉइस लेवल. ज्यादा नॉइस अगर रहा तो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल भी ज्यादा जो फैडिंग है वो कम नहीं कर सकता. The principle of diversity reception is based on the fact that the signal at different points on the earth or different frequency signals do not fade simultaneously. ये diversity हम क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि different path से आया हुआ signal भी उसके वजह से fading नहीं हो. Fading नहीं हो मतलब signal का interference नहीं होना चाहिए, क्योंकि signal का interference होगा तो फिर signal की quality खराब होती है. There are two types of diversity reception system. देखो, स्पेस डाइवर्सिटी सिस्टम और फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम. अब स्पेस डाइवर्सिटी सिस्टम में क्या होता है हम देखेंगे. इन दिस सिस्टम टू और मोर रिसीविंग एंटेनाज आर यूज. देखो, हमें क्या करना है, फैडिंग रिमूव करना है. फैडिंग रिमूव करना है मतलब जो सिग्नल की स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट हो रही है, कम ज्यादा हो रही है,
उसकी वजह से जो सिग्नल की क्वालिटी खराब हो रही है उस पर हमें कुछ सोल्यूशन निकालना है। तो वो सोल्यूशन में फर्स्ट हम क्या सोल्यूशन निकाला है, हमने स्पेस डाइवर्सिटी हम यूज करेंगे। स्पेस मतलब जगह और फ्रिक्वेंसी मतलब सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। अब स्पेस में फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है और जगह बदलती है, और फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी में जगह सेम रहती है सिर्फ फ्रिक्वेंसी बदलती है। अब देखो स्पेस डाइवर्सिटी में क्या होता है, इन दिस सिस्टम टू और मोर रिसीविंग एंटेनाज आर यूज। यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिसीविंग एंटेना यूज किए जाते हैं। दे आर प्लेस एट पॉइंट विच आर सेपरेटेड बाय अबाउट 9 और मोर वेवलेंथ। वो क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट पे सेटअप किया जाता है जहाँ पे मतलब अबाउट 9 और मोर वेवलेंथ के हिसाब से एंटेना की जो सिग्नल की जो वेवलेंथ रहती है कि वो कहाँ कहाँ रिसीव हो सकता है। कि अगर वो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इतनी हो गई तो वो कहाँ रिसीव होगा, इतनी हो गई तो कहाँ रिसीव होगा, उतनी हो गई तो कहाँ रिसीव होगा, उसके हिसाब से वो एंटेना को प्लेस किया जाता है, रिसीविंग एंटेना को। देन रिसीवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटेना दर एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ एंटेना क्या किया जाते हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयड किया जाते हैं मतलब इंस्टॉल किए जाते हैं। द आउटपुट स्टेज ऑफ द रिसीवर्स इज मेड कॉमन, और रिसीवर के जो आउटपुट स्टेज है वो कॉमन रहती है। एज ऑल द रिसीवर्स रिसीव द सिग्नल द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल फ्रॉम द रिसीवर विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल एट द मोमेंट इज यूज टू कट ऑफ ऑल द अदर रिसीवर्स। दस ओनली द सिग्नल फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिसीवर इज पास टू द कॉमन आउटपुट स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमने 10 एंटेना लगाए रिसीविंग एंटेना, तो 10 रिसीविंग एंटेना को एक ही सिग्नल रिसीव होगा जो डिफरेंट पाथ से आएगा, कुछ ग्राउंड वेव से आएगा, कुछ स्काई वेव से आएगा, कुछ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आएगा, ऐसे मल्टीपल सिग्नल मल्टीपल एंटेना में रिसीव होंगे। तो जिस एंट और वो सिग्नल एक ही रहेगा, उस वो जो 10 सिग्नल 10 जगह पे जो सिग्नल रिसीव होगा वो एक ही सिग्नल है पर वो मल्टीपल पाथ से आया हुआ है। वो 10 के 10 सिग्नल में, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कोई 10 ही रहेगा, तो पूरे के पूरे जो सिग्नल है जो रिसीव हुए है वो एक ही सिग्नल है पर वो मल्टीपल पाथ से आए हुए है, उनमें एक ही इंफॉर्मेशन है। तो जिस रिसीवर में सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीव्ड सिग्नल की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेंगी, उस रिसीवर एंटेना का आउटपुट कहाँ पे जाएगा, आउटपुट में लिया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। दस ओनली द सिग्नल फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिसीवर इज पास टू द कॉमन आउटपुट स्टेज। तो जिस रिसीवर पे ज्यादा स्ट्रेंथ का सिग्नल रिसीव हो गया उसी को क्या किया जाएगा, आउटपुट में लिया जाएगा। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी। दिस सिस्टम वर्क्स ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ द स्पेस डाइवर्सिटी, सेम ही प्रिंसिपल है। द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली एट 2 और 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। अब इसमें क्या किया जाएगा, रिसीवर एक ही है पर मल्टीपल फ्रिक्वेंसी में सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा। आउट ऑफ द सिग्नल्स रिसीव्ड बाय द डिफरेंट रिसीवर विच आर टर्न टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल एट द पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सिलेक्टेड। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल जिस फ्रिक्वेंसी पे हमें स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन मिल रहा है उसी फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सिलेक्ट किया जाएगा। ड्यू टू द यूज ऑफ 2 और 3 फ्रिक्वेंसीज फॉर ट्रांसमिशन द सेम सिग्नल द मोर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड एंड द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज वेस्टेड। अब देखो एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करना है पर अगर हम 3 4 फ्रिक्वेंसी अगर यूज कर रहे हैं उसके लिए तो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम वेस्ट होगा और बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा लगेंगी, ये उसका सीरियस डिसएडवांटेज है। देयरफॉर द फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम इज यूज ओनली व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द स्पेस डाइवर्सिटी। ओके, तो कब करते हैं ये फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम कब यूज करते हैं, ओनली व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज द स्पेस डाइवर्सिटी। जब स्पेस डाइवर्सिटी यूज करना पॉसिबल नहीं है तब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए 3 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ता है, तो उससे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो लिमिटेड रहता है तो वो वेस्ट होता है, और उससे बैंडविड्थ भी वो ज़्यादा लगती है और बैंडविड्थ ज़्यादा लगना ही डिसएडवांटेज है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्सिटी रिसेप्शन। एप्लीकेशन एरियाज अब फॉर द डाइवर्सिटी रिसेप्शन आर कमर्शियल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन लिंक एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। कमर्शियल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए या मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए उसका यूज करते हैं। शिप टू शिप, शिप टू शिप या शिप टू शोर मतलब जो बड़े बड़े जहाज रहते हैं उससे दो जहाज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, या शिप टू शोर मतलब जहाज से समंदर के किनारे कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज किया जाता है डाइवर्सिटी रिसेप्शन सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा
स्पेसियो प्रोपेगेशन। हमने दो प्रोपेगेशन अभी देखे हैं, एक ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और दूसरा स्काई वेव प्रोपेगेशन। अब ये तीसरा है हमारा स्पेसियो प्रोपेगेशन। ओके, एंड दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क।